सीधा सवाल है, भ्रष्टाचार के गोद में नीतीश जी फिर चले गए क्या? मैं आपको कहूंगा, कृपया करके अपने पुराने 17 के उनके सारे टीवी के कमेंट्स को खंगालिए आप। क्या कहा था उन्होंने कि रेलवे भर्ती घोटाला, पटना के मॉल घोटाला और रेलवे के होटल को रांची में बेचने के मामले में भारी घपला हुआ है, सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशील मोदी ने सवाल खड़ा किया था, ललन सिंह ने सवाल खड़ा किया था, हम लोगों ने किया था, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। क्या कहा तेजस्वी ने कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने वकील से बात करूंगा। तो नीतीश जी, आपको जवाब मिल गया क्या? ये तो सवाल है। और दूसरा सवाल है, 19 की लोकसभा जीते आप नरेंद्र मोदी की हवा में उनके नाम पर, 2 सीट आपको 14 में मिली थी, दोबारा अलायंस हुआ आपके 16 जीत गए, हम लोग खूब जीते। 20 के विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जब कस के प्रचार शुरू किया, डबल इंजन की सरकार और जंगल राज के 2 युवराज, उस समय लालू नीतीश जी, अरे तेजस्वी जी और राहुल गांधी साथ थे, तब 43 सीट आपको आई, भाजपा की सीट लगभग डबल थी, फिर भी आपको मुख्यमंत्री मोदी जी ने घोषणा कर दिया। तो मैं आज कहूंगा कि नीतीश जी को बड़ा नेता भाजपा ने अपने कंधों पर बनाया। अटल जी ने रेल मंत्री, कृषि मंत्री, बिहार के 2000 में मुख्यमंत्री, 2005 में जदयू के नेताओं के विरोध के बावजूद भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। 10 साल अच्छा काम हुआ, 14 में छोड़ दिया, 13 में मोदी के साथ नहीं चलेंगे, फिर वापस आ गए, 17 में कहा कि जवाब दें भ्रष्टाचार का, तेजस्वी नहीं दिया, आप फिर चले गए। नीतीश जी क्या है आप? भ्रष्टाचार गठबंधन में आप फिर चले गए, तो बिहार की जनता दुखित है, आक्रोशित है, इसका जवाब देगी। सर, समता पार्टी से शुरुआत जब इन्होंने की थी, तब भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थामा था, उसके बाद से लगातार ये मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ? 2019 का भी आपने जिक्र किया, 2 सीट से बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीट भी जनता दल यूनाइटेड को दी थी, उसके बावजूद आखिरकार नीतीश कुमार की नाराजगी ऐसी क्या बढ़ी कि वो लगातार इग्नोर करते हैं? ये सवाल आप हमसे ना पूछिए, ये सवाल आप उनसे पूछिए। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे ना, विधानसभा का कार्यक्रम था, अच्छी बातचीत हो रही है। हफ्ता 10 दिन पहले पटना में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में भाजपा के महामंत्री अरुण सिंह ने घोषणा कर दिया अधिकृत कि 24 में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनडीए रहेगा, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी भी रहेगी जदयू, और 25 के विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए लड़ेगी। तो ये क्या हो गया? तो खिचड़ी क्या पक रही थी, कब से पक रही थी? सर, ये काफी सवाल है। आइडियोलॉजी चूंकि उन्होंने छोड़ दी, जो जॉर्ज फर्नांडिस की आइडियोलॉजी थी वो तो छोड़ करके आगे बढ़े हैं वो, अब बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या अब एकला चलोगी, राज्य में रहेगी? पहली बात यह कि नीतीश कुमार गैर कांग्रेसी नेता रहे हैं, उनकी पूरी राजनीति गैर कांग्रेसवाद पर रही है, सब खत्म हो गया, भ्रष्टाचार से समझौता, गैर कांग्रेसवाद से समझौता। जॉर्ज फर्नांडिस याद करिए, राम मनोहर लोहिया जिसकी आप बात करते हैं विरासत की, ये सब घोर गैर कांग्रेसी थे। तो नीतीश जी भ्रष्टाचार के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए, उनको मुबारक है, इसका जवाब बिहार की जनता देगी और कस कर देगी लोकसभा चुनाव में 24 में और विधानसभा चुनाव में 25 में। बीजेपी अकेले दम पे रहेगी अब यहाँ पर? बिल्कुल, बाकी साथी आएंगे, चिंता मत करिए आप, अभी भी तो ही है ना, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। बिहार की जनता, देश की जनता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में क्या बदला है देश, ये देखती है। किस तरह 200 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए कोरोना काल में, क्या काम हुआ, 80 करोड़ लोगों को खिलाया गया, आज भारत की सुरक्षा पर भारत की क्या साख है, ये सब देख रहे हैं, चिंता मत करिए आप। लेकिन हाँ, बिहार की जनता क्रोधित है और बिहार की जनता पीड़ित, बहुत दुखित है।